कि जेएमएम पति पत्नी की पार्टी बनकर रह गई है और इसलिए उन्होंने झारखंड को बचाने के लिए भाजपा का दामन थामा है। वो सचमुच में झारखंड के टाइगर हैं। आंदोलन की भट्टी में तब के निकले ऐसे नेता जिनने जेएमएम को खड़ा किया और अलग झारखंड बनाने में भी उनकी बहुत उल्लेखनीय भूमिका है, जनता में उनका आदर है। वो झारखंड को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। जिस ढंग से विदेशी घुसपैठ के कारण झारखंड तबाह और बर्बाद हो रहा है, बेटियों से शादी करके उनके नाम पर जमीनें खरीदी जा रही हैं, वो चिंतित है। जिस ढंग से नोटों के पहाड़ बरामद हो रहे हैं, भ्रष्टाचार, उससे वो चिंतित है। और जिस ढंग से उनको अपमानित किया गया, मुख्यमंत्री होते हुए नियुक्ति पत्र नहीं बांटने दिए, कार्यक्रम नहीं करने दिए, क्योंकि जेएमएम पति पत्नी की पार्टी बनकर रह गई है और इसलिए उन्होंने झारखंड को बचाने के लिए भाजपा का दामन थामा है। गठबंधन की सरकार जाना अब तय है, भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बनाएगी। बिल्कुल कुछ भी नहीं, वो बहुत बड़े नेता हैं और मैं उनका बहुत, मेरे मन में उनके लिए आदर और बढ़ गया, उनकी कोई शर्त नहीं। और इसलिए उन्होंने झारखंड को बचाने के लिए भाजपा का दामन थामा है। वो सचमुच में झारखंड के टाइगर हैं। आंदोलन की भट्टी में तब के निकले ऐसे नेता जिनने जेएमएम को खड़ा किया और अलग झारखंड बनाने में भी उनकी बहुत उल्लेखनीय भूमिका है, जनता में उनका आदर है। वो झारखंड को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। जिस ढंग से विदेशी घुसपैठ के कारण झारखंड तबाह और बर्बाद हो रहा है, बेटियों से शादी करके उनके नाम पर जमीनें खरीदी जा रही हैं, वो चिंतित है। जिस ढंग से नोटों के पहाड़ बरामद हो रहे हैं, भ्रष्टाचार, उससे वो चिंतित है। और जिस ढंग से उनको अपमानित किया गया, मुख्यमंत्री होते हुए नियुक्ति पत्र नहीं बांटने दिए, कार्यक्रम नहीं करने दिए, क्योंकि जेएमएम पति पत्नी की पार्टी बनकर रह गई है और इसलिए उन्होंने झारखंड को बचाने के लिए भाजपा का दामन थामा है। गठबंधन की सरकार जाना अब तय है, भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बनाएगी। बिल्कुल कुछ भी नहीं, वो बहुत बड़े नेता हैं और मैं उनका बहुत, मेरे मन में उनके लिए आदर और बढ़ गया, उनकी कोई शर्त नहीं।